सुप्रीम कोर्ट हमें सौंप दे, मामला तो 24 घंटे में कर देंगे। अयोध्या विवाद का निपटारा, योगी आदित्यनाथ। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर अयोध्या विवाद का निपटारा करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मसले पर लोगों का धैर्य समाप्त हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर जल्द आदेश देने में असमर्थ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इसे हमारे हवाले कर देना चाहिए और 24 घंटे के भीतर इसका समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले आगामी आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा किया है। निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह अयोध्या मसले का समाधान बातचीत से करेंगे या डंडे से, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले अदालत को मसले को हमारे हवाले करने दीजिए, अभी भी कोर्ट से जल्द फैसले की अपील। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं अब भी अदालत से विवाद का निपटारा जल्द करने की अपील करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 30 सितंबर 2010 को भूमि बंटवारे के मसले पर आदेश नहीं दिया, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि बाबरी ढांचा हिंदू मंदिर या स्मारक को नष्ट करके खड़ा किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाई कोर्ट के आदेश पर खुदाई की और अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि बाबरी के ढांचे का निर्माण हिंदू मंदिर या स्मारक को नष्ट करके किया गया था। उन्होंने कहा, टाइटल का विवाद अनावश्यक रूप से जोड़कर अयोध्या विवाद को लंबा खींचा जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से लाखों लोगों की संतुष्टि के लिए जल्द से जल्द न्याय देने की अपील करते हैं, ताकि यह जन आस्था का प्रतीक बन सके। अनावश्यक विलंब होने से संस्थानों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जहां तक लोगों के धैर्य और भरोसे की बात है, तो अनावश्यक विलंब से संकट पैदा हो रहा है। हमें सौंपे मामला तो 24 से 25 घंटे नहीं लगेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं कहना चाहता हूं कि अदालत को अपना फैसला शीघ्र देना चाहिए। अगर वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो वह मसला हमें सौंप दे। हम राम जन्मभूमि विवाद का समाधान 24 घंटे के भीतर कर देंगे, हम 25 घंटे नहीं लेंगे। उनसे जब पूछा गया कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश क्यों नहीं लाया, तो उन्होंने कहा कि मामला विचाराधीन था। उन्होंने कहा, संसद में विचाराधीन मसलों पर बहस नहीं हो सकती है, हम इसे अदालत पर छोड़ रहे हैं। अगर अदालत ने 1994 में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे के आधार पर न्याय दिया होता, तो देश में अच्छा संदेश जाता। सीएम योगी ने आगे कहा, सवाल चुनावों में फायदे या नुकसान का नहीं है, लेकिन यह देशवासियों की आस्था का सवाल है। कांग्रेस इस समस्या की जड़ में है और वह इसका समाधान होने नहीं देना चाहती है। अगर अयोध्या विवाद का निपटारा हो जाए और 3 तलाक पर प्रतिबंध लागू हो जाए, तो देश में तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन के मसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वे जाति के आधार पर लड़ाई को निचले स्तर तक ले जाएंगे, तो यह 70-30 मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि 70% मतदाता बीजेपी के साथ हैं और बाकी 30% गठबंधन के पास।